मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ बेटा। आज मैं आपको बताऊंगा जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है ना। और उस वेव में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, और जो वेव है उसकी स्पीड क्या है, और कैसे निकालेंगे हम लोग वो जनरल इक्वेशन वेव की किस शक्ल की होती है, ठीक है। अगर हमें सिंपल हार्मोनिक वेव ना पता हो, कोई और सिंपल दूसरी वेव दे दे मुझे, तो मुझे उसको कैसे हैंडल करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी निकाल लो। अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक वेव के बारे में। पहले मैं हल्का सा बताता हूँ आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। मान लो बेटा आपको इक्वेशन दे रखी है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव। बोलो, इसके बारे में बताया था मैंने आपको? यस सर, बताया था ना। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं करता हूँ बेटा डेल वाई बाय डेल टी करता हूँ। डेल क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, डेल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों करूंगा? पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह से करूंगा कि मेरा जो वाई है वो टाइम और एक्स दोनों का फंक्शन है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं बस उसी को वेरिएबल मानते हैं, दूसरे को क्या मानते हैं? कॉन्स्टेंट मानते हैं, ठीक है। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, आज के बाद कभी गलती मत करना और इस चीज को रटना भी मत, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई बेटा ए। अच्छा, जो टी के साथ लिखा है वो बाहर आएगा, ओमेगा साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बोलो क्लियर है? फाइव इनिशियल फेज था यार, याद करो, ठीक बात है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, तो डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वेयर पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकल कर आने वाला है सरकार, कितना आएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर। फिर से टाइम के साथ में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो टाइम के साथ लिखा हुआ ओमेगा बाहर आएगा, कॉस का बनेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। कोस का माइनस साइन बना है सर, तब माइनस आया। बोलो क्लियर है? सही है। चलो डेल वाई बाई डेल एक्स करते हैं, मतलब स्लोप निकालते हैं। स्लोप होता है ना डेल वाई बाई डेल एक्स, बिल्कुल सही बात है। तो स्लोप जब मैं निकालूंगा, एक बात ध्यान से देखो, अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के साथ लिखा है माइनस के, वो बाहर आएगा, तो करो क्या आएगा? एक्स के साथ माइनस के लिखा है बाहर आएगा, तो आएगा माइनस ए के साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। सही है। और डेल टू वाई बाई डेल एक्स के अगर मैं करूं तो सर क्या आ रहा है? इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, कोस का हो जाएगा माइनस साइन। बहुत बढ़िया, तो माइनस साइन निकाल लो बाहर, तो माइनस साइन हो गया, और एक के एक्स के साथ जो लिखा है वो माइनस के, वो बाहर आएगा, तो तीन माइनस हो जाएंगे, तो माइनस ही रह जाएगा सरकार। ए के स्क्वेयर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बोलो क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये आ गया सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ गया डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ध्यान पूर्वक इन दोनों इक्वेशन को देखो। जब मैं ध्यान पूर्वक इन दोनों इक्वेशन को देखता हूँ, सॉरी सॉरी इन दोनों को नहीं, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान पूर्वक देखो, तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ सर। डिवाइड करूंगा तो आएगा डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो अब ध्यान से देखो, डिवाइड करने जा रहा हूँ तो नीचे लिखूंगा मैं डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वेयर। सही है, और इज इक्वल टू को इधर लिख देते हैं। बोलो क्लियर है यार? अरे यस और नो तो बोल दो। यस सर, ठीक है। तो इसको इससे डिफरेंशिएट किया मैंने, ठीक है। जब डिफरेंशिएट किया तो माइनस से माइनस कट गया, डिवाइड करा तो ए से ए कट गया, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर ये है साइन, ये भी साइन कट गया, तो ये ओमेगा बाय के क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर। अरे ओमेगा बाय के वेलोसिटी ऑफ वेव होती है ना, क्यों क्यों होती है पता है? क्योंकि ओमेगा होता है 2πf और के होता है 2π/λ, 2π कट गया, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है वेव की स्पीड। सही है। तो अब जनरल इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है, क्या बन चुकी है? डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वेयर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बेटा। हालांकि मैंने इसको सिंपल हार्मोनिक के लिए आपको दिखा दिया ड्राइव करके, है ना, लेकिन जनरल इक्वेशन वेव की ये होती है, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। अरे रखोगे ध्यान? ठीक है। अब एक बात और सुनने वाली है, ये लिखा है डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्र इज इक्वल टू वी स्क्र डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्र। इसका जो सोल्यूशन आता है वाई, वो कुछ इस शक्ल का आता है सर, फंक्शन ए एक्स प्लस बी टी प्लस कुछ कॉन्स्टेंट भी आ सकता है। क्या आएगा फंक्शन? ए एक्स प्लस बी टी। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, साइन एक्सपोनेंशियल कैसा भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। और अंदर कैसी शक्ल होगी? फंक्शन के अंदर क्या लिखा होगा? हमेशा ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी। अगर इस टाइप का फंक्शन आपको दिखता है मार्केट के अंदर, तो समझ जाना ये वेव की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? वेव की।
सही बात है सर। अब इसमें जो वेव की स्पीड होने वाली है, स्पीड ऑफ वेव होने वाली है, वो होता है बेटा, ध्यान से देखो इसको, इसको ध्यान से देखो। जब आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये भी तो एक फंक्शन ही है ना, इसी का ही तो पार्ट है। तो देखो फंक्शन एक्स प्लस बी टी प्लस सी टाइप है कि नहीं है, बिल्कुल है। और फंक्शन क्या है, साइन है ना। अंदर क्या लिखा है, साइन के अंदर ए एक्स प्लस बी टी टाइप कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने वेव की स्पीड क्या बताई आपको, ओमेगा बाय के। तो ओमेगा क्या है, जो टाइम के साथ लिखा है। के क्या है, एक्स क्या है, के क्या है, जो माइनस एक्स के साथ लिखा है, सही है। तो यहां पर क्या बनेगी वेव की स्पीड बेटा, टाइम के साथ लिखा है बी, और एक्स के साथ क्या लिखा है, माइनस एक्स के साथ क्या लिखा है, ए। तो माइनस बी बाय ए बनेगी वेव की स्पीड। क्या बनेगी, इस माइनस को इधर लिख देते हैं, माइनस बी बाय ए, क्योंकि एक्स के साथ लिखा है या माइनस के, है ना। तो माइनस के लिखा है तो जबकि वेव में क्या आता है, ओमेगा बाय के, नेगेटिव तो नहीं आता ना। यहाँ पे लिखा है एक्स के साथ ए, सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बोलो क्लियर है, एनालॉगी समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है, ये उसका सॉल्यूशन है, और ये वेव की स्पीड है। इसके ऊपर एक मीठा सा एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। कराऊँ, चलो करते हैं। इसको हटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया, चलो कराता हूँ। अब सुनने वाली और समझने वाली बात क्या है कि फंक्शन मुझे दे रखा है, मान लो टू अपॉन, है ना, कुछ इस टाइप से दे रखा है, टू अपॉन एक्स माइनस थ्री टी का होल स्क्वायर प्लस वन, ऐसे समझ लो ये फंक्शन दे रखा है। अब क्या ये वेव की इक्वेशन है, यस सर ये वेव की इक्वेशन है। कि फंक्शन कैसा है, ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी टाइप फंक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये वेव की इक्वेशन है, एक नंबर बात तो हमें ये पता चली, ठीक है। दूसरी नंबर बात, मैं इसकी पल्स बनाता हूँ, ठीक है ना। इसकी अगर मैं शक्ल बनाऊं तो देखो, टाइम को माइनस एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर मैं देखूँ, एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो अगर मैं देखूँ तो टाइम को डालो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, टाइम जीरो पर देखो, है ना। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन बेटा एक्स और टी दोनों का है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो एक्स को कांस्टेंट मानना पड़ेगा या टाइम को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तभी तो मैं ग्राफ बना पाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास 3D ग्राफ तो होते नहीं है ना, सही है। तो मैंने करा, टाइम को जीरो माना, टाइम को जीरो माना, तो इसकी शक्ल ग्राफ की किस टाइप से आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्स को डाल लो माइनस इन्फिनिटी, एक्स को माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी का स्केयर आ जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में वन ऐड करोगे, सॉरी माइनस इन्फिनिटी का स्केयर आ जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में वन ऐड करोगे आ जाएगा इन्फिनिटी, टू अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा लगभग लगभग जीरो। तो यानी माइनस इन्फिनिटी डालने पे वैल्यू जीरो है, टाइम जीरो पे एक्स को जीरो डालो तो वैल्यू टू है, और टाइम जीरो पे एक्स को इन्फिनिटी डालो तो फिर से क्या है, इन्फिनिटी का स्केयर इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी, और टू अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो। तो यानी ये पल्स कुछ इस शक्ल की होने वाली है, और ये होने वाला है टाइम जीरो पर। बोलो सही बात है या नहीं, बिल्कुल सही बात होनी चाहिए, देखो मजा आना चाहिए आपको, ठीक है ना। टाइम जीरो पर और एक्स इक्वल टू जीरो, और ये वैल्यू कितनी है, टू, है ना, ये सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको गिवन होगा किस में ले रहा है, ठीक है ना। तो टू यूनिट वैल्यू है फिलहाल, हम ऐसा समझते हैं, वैल्यू कितनी है, टू यूनिट। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब वेव की स्पीड कैसे निकलेगी सरकार, वेव की स्पीड कैसे निकलेगी, वेव की स्पीड निकलेगी क्या करोगे आप इसके हिसाब से, जो माइनस लिखोगे पहले तो लिख लिया, जो टाइम का कोफिशियंट है बी और जो एक्स का कोफिशियंट है दोनों को डिवाइड करोगे। टाइम का कोफिशियंट कौन है, माइनस थ्री, और एक्स का कोफिशियंट कौन है, वन। तो वेव की स्पीड कितनी आएगी, कितनी आएगी, बोलो बोलो बोलो, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और किधर आएगी, प्लस एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है ना। अगर ये नेगेटिव आती तो मैं बोलता माइनस एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, एक्स में क्यों चल रही है वेव, जिसमें ये फंक्शन होता है ना वेव इसमें चलती है, ध्यान रखना, ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी, ये एक्स में लिखा हुआ है, तो वेव किस में चल रही है बेटा, एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। और वाई में कौन है, वाई में, वाई डायरेक्शन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है ना। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसका, मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। हालांकि ट्रांसवर्स वेव है तो ये वाई डायरेक्शन में ही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक काम करो, टाइम की वैल्यू डालो वन, टाइम की वैल्यू वन डालो, है ना। तो वन डालने पे कितना आएगा, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन। तो वैल्यू बताऊं कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ग्राफ आने वाला है। तो एक्स इक्वल टू थ्री पर मान लो आप यहां पहुंच जाएगा, और ये ऐसे
और ये ऐसे, मतलब ये वेव जो कि यहां पर थी टाइम जीरो पर, है ना, टू यहां पर था, ये टू कहां पहुंच चुका है, एक्स इक्वल टू थ्री पे। क्यों क्यों एक सेकंड में थ्री पे कैसे पहुंच गए, क्योंकि स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में कितना चलेगा, 3 मीटर तो चलेगी वेव, बिल्कुल चली। अरे बोलो क्लियर है, ऐसे ही टाइम को 2 डालूंगा तो x माइनस 6 हो जाएगा, तो मतलब 2 सेकंड में कितना चलेगी, 6। तो ये वाला एम्पलीट्यूड वाली चीज कहां पहुंच जाएगी, 3 की जगह किस पे पहुंच जाएगी बेटा, 6 पे पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि वेव कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। वेव की स्पीड कितनी होती है, वेव की स्पीड होती है जो टाइम का कोफिशियंट होता है और जो एक्स का कोफिशियंट होता है उसका रेशियो नेगेटिव के साथ, ठीक है। अगर प्लस आ रही है तो प्लस एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। और एक्स ही क्यों, एक्स ही इसलिए क्योंकि फंक्शन में एक्स लिखा था, रीजन फंक्शन में यहां पर कुछ और लिखा हुआ जेड, तो इसका मतलब समझ लेना कि वेव किसमें जा रही है, जेड में प्रोपागेट कर रही है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, होप करता हूं सबको अच्छे समझ में आया होगा कि वेव की जनरल इक्वेशन क्या होती है, d2y/dt² इज इक्वल टू d, बेसिकली नहीं डेल, d2y/dt² इज इक्वल टू v² d2y/dx². बोलो क्लियर है, होप करता हूँ सबको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा अच्छा। अगर अच्छा अच्छा सीखने को मिला हो तो कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाना, ठीक है। ओके टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।